हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने घर पे। एयरटेल के एग्जीक्यूटिव आ चुके हैं फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इन लोग ने वायर खींचना भी चालू कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं अभी पोल से वायर जो आएगा, और इन लोग देखिए ये वायर यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिक फाइबर केबल। इन लोग ने एक बंडल लेके आए इन लोग के साथ। आप लोग देखिए ये बंडल है। मेरे घर पर इन लोग तीन बंदे आए थे, और ये देख सकते हैं आप लोग, इन लोग अपने साथ ये कन्वर्टेबल लेडर लेके चलते हैं क्योंकि पोल के ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, फॉर दैट रीज़न। और अभी इन लोग पहले एक दूसरे पोल पे ये ऑप्टिक फाइबर केबल टाई करेंगे, उसके बाद वो फैट बॉक्स वाला जो पोल है उस पे लेके जाएंगे इन लोग। अभी देखिए चले इतना ऊपर। अभी इन लोग अपने सीढ़ी के साथ चल दिए फैट बॉक्स की ओर। ये आप देख सकते हैं ये ओड़ा फैट बॉक्स, यही फैट बॉक्स से कनेक्शन जाने वाला है मेरा घर पे। तो ये देखिए यहाँ पर इन लोग ने लेडर लगवा लिया अपना फैट बॉक्स पे। अब इस फैट बॉक्स से जाएगा कनेक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे एरिया में ये BSNL वाला अभी ब्रॉडबैंड अवेलेबल है, और ये रहा रेल वायर, और उसके ठीक साइड जियो का भी वायरिंग चल रहा है, बट वो अभी तक एक्टिवेट नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग जियो का वायरिंग है। अभी इन लोग ये वायर जो है इसको इन लोग ने छीलना चालू कर दिया है, क्योंकि जो फाइबर केबल होता है, जो मेन फाइबर होता है, ये इन लोग ये सब प्रोटेक्शन के अंडर होता है। ये देख लीजिए अभी छिलना स्टार्ट कर दिया। अभी इन लोग स्प्लाइसिंग स्टार्ट करेंगे। ये रहा जो केबल होता है इसके भी अंडर है, ये और एक प्रोटेक्शन के अंडर है। ये देखिए इसके भी अंडर है वो जो केबल है, जो मेन ग्लास केबल होता है ना, जो मेन ऑप्टिक होता है वो इसके अंडर है। अभी इन लोग स्प्लाइसिंग करेंगे, दोनों तारों को जोड़ेंगे, जो कनेक्टर है जो फैट बॉक्स में कनेक्ट होगा, और जो मेन वायर है जो मेरे घर पर गया है, वो दोनों को कनेक्ट करके फैट बॉक्स से कनेक्शन जाएगा। ये देखिए अभी इन लोग स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, जो वो कनेक्टर है उनको ये काट के मेन फाइबर निकाल रहे हैं उसमें। अभी वो जो कनेक्टर को इन लोग 90 डिग्री में काट दिए। अभी जो स्प्लाइसिंग वाले मशीन के एक साइड है, उस साइड इन लोग ने फिट कर दिया उसको कनेक्टर को। ये देखिए वोड़ा ऑप्टिक फाइबर, जो वो चीज़ ग्लास का रहता है, वो दोनों को जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन यूज़ किया जाता है। ये हीट दे के इन लोग को गला के जोड़ा जाता है। ये देखिए अब इस वायर को भी 90 डिग्री में कट किया जाएगा थ्रू दिस कटर। ये देखिए ये भी कट हो गया। अभी इन लोग को जोड़ देंगे इन लोग। ये देखिए ये रहा कटर। ये सब हो गया। अभी देखिए स्पेसिंग स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए अभी हीट होगा, 1-2 मिनट का टाइम लगता है, बस उसके बाद हो जाएगा। अभी देखिए कंप्लीट हो गया, इन लोग को निकाल दिए। अभी इन दोनों को जो जॉइंट को है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में एक पाइप जैसा कवर लगाते हैं, ये हीट करके वो पाइप को भी जोड़ देते हैं। अभी स्प्लाइसिंग का काम कंप्लीट होने के बाद ये जो वायर है वो ऑप्टिक फाइबर वायर ये फैट बॉक्स में आ चुका है। अभी इसको कनेक्टर से कैसेट्स में कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, उसके बाद यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा नेम टेक मारा जा रहा है क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ प्रॉब्लम आने से डायरेक्टली पता चल जाए कौन सा मेरा वायर है। अभी फैट बॉक्स में ये देख सकते हैं मेरा फर्स्ट कनेक्शन दिया गया इस फैट बॉक्स से, क्योंकि जस्ट 1 डे पहले मेरा एरिया में लॉन्च हुआ है एयरटेल एक्सट्रीम। ये देख सकते हैं अभी इसके जो पावर है वो चेक किया जा रहा है, और इन लोग फोटो खींच रहे हैं उसके, क्योंकि इन लोग को देना पड़ता है ये सब रिकॉर्ड। अभी पावर चेक कर रहे हैं कितना पावर आ रहा है इस फैट बॉक्स में टावर से। उसके बाद अभी इन लोग वायर खींच रहे हैं तो मेरे मतलब घर तक। तो अभी देख सकते हैं ये मेरा बिल्डिंग का एकदम जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का छत है उसके कॉर्नर से लेके जा रहे हैं। आप जैसे बोलेंगे वैसे इन लोग आपका कॉन्वीनियंट में, आप लोग जीडर बोलेंगे वैसे वायर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी देखिए अभी दूसरे एक साइड में इन लोग अभी वो वायर को टाई करेंगे इस रोड पे, उस एकदम मतलब एल शेप में लेके आ रहे हैं इन लोग वायर जो है ना। अभी देखिए ये कितना ऊपर चढ़ चुके हैं। अभी देखिए ये वायर एक बंदा खींच रहा है, ये अभी बांध रहा है ऊपर पे, अभी इसको बांधने में लगा हुआ है। मतलब आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, आप जैसे जिस साइड से वायर ले जाने बोलेंगे उस साइड से इन लोग ले जाएंगे, कोई उसमें इशू नहीं है।
अभी देखिए ऐसा गया जो वायर है। अभी देखिए मेरा घर पे मैंने उन लोग को बोला इस होल से मेरा घर के अंदर आप लोग दे दीजिए, तो इन लोग बोला ठीक है। तो मेरा वो देखिए टीना का ऊपर से इन लोग लेके आके वो घर पे मेरा दे रहा है, ये देखिए उस साइड से देख कितना मेहनत कर रहा है बंदा, जिधर बोल रहा हूँ उधर कर रहा है। इन लोग टेक्नीशियन जो इंजीनियर होते फुल्ली ट्रेंड होते हैं फ्रॉम एयरटेल। ये देखिए मॉन्की देख लीजिए थोड़ा हम लोग के घर के ऊपर, देखिए आउटडोर काम कंप्लीट हो चुका है, अभी इंडोर है। ये देखिए ये वायर आ चुका है और ये अभी लगेगा इस साइड लगेगा। देखिए अभी सेम प्रोसेस चालू हो चुका है जो बाहर के हम लोग पोल के सामने सीम स्प्लाइसिंग करेंगे, इस साइड में कनेक्टर लगा के राउटर में कनेक्शन देंगे। तब तक चलिए मैं आपको ये राउटर का बॉक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा करके आता है, इसका ब्रांडिंग है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर फर्स्ट में। और ये देखिए इस साइड का स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, इस साइड से भी देख लीजिए बॉक्स को, बैक साइड एकदम एम्प्टी है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस आगे में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लिखा हुआ। ये देखिए खोलिए, ये देखिए ये राउटर आता है डेसन कंपनी का, बहुत छोटा मोटा है। इसमें ये देखिए ये पावर एडेप्टर है, आप देख सकते हैं छोटा मोटा है एडेप्टर। ये देखिए राउंड टिप है इसका, आप देख लीजिए। चलिए मैं निकाल लेता हूँ इसको राउटर को इसके अंदर से। ये देखिए ये रहा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का राउटर, डेसन कंपनी का राउटर। ये देखिए चार लैन पोर्ट से एक टेलीफोन वायर है, एक यूएसबी पोर्ट है। ओके एक सेकेंड में जूम कर, हाँ चार लैन है, एक टेलीफोन है, एक यूएसबी है, एक पावर एडेप्टर है, एक ऑन ऑफ बटन है। इस बॉक्स के साथ ये नहीं आता है, इथरनेट केबल नहीं देते इन लोग आजकल। ये देखिए WPS का बटन है, रीसेट का बटन है। ये देखिए बैक साइड में ये जो फाइबर लगेगा वो पोर्ट है। बस आजकल इन लोग इथरनेट केबल देना बंद कर दे, वो नोकिया के साथ ही आता है, नोकिया नहीं तो जेट्टी वो केबल उन लोग के साथ ही आता है। ये देखिए इसका स्पेसिफिकेशन, डुअल पिन राउटर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों सपोर्ट करते हैं। ये देखिए इसके जो लाइट्स है वो नीचे है और इसके जो स्पेसिफिकेशन ऊपर लिखे हुए हैं। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कितना स्प्लाइसिंग का काम ख़त्म हो चुका है। देखिए अभी स्प्लाइसिंग फिर से कर रहे हैं, पहले जेट्टी और नोकिया के राउटर के साथ वो आता था इंटरनेट केबल, बट आजकल नहीं देते इन लोग बोल रहे हैं। तो चलिए डेसन कंपनी का मेरा एरिया में अवेलेबल था, तो इन लोग बोल रहे ये अच्छा राउटर है, ये आप यूज़ कर लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो मैं बोला चलिए ठीक है। ये अभी पावर दिखा रहा है, -28.21 दिख रहा है जो पोल से आ रहा है जो पावर फेड बॉक्स से। और इसके बाद अभी जो वायर होता है उसको हम लोग ने वॉल क्लिप की मदद से इधर से अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए अभी जो कनेक्टर बॉक्स है उसको भी वॉल में हम लोग फिट करवा दे रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना आए, ये फिट कर रहे हैं उन लोग वॉल क्लिप की मदद से। ये देखिए बॉक्स बंद हो चुका है, फाइनली अभी काम ख़त्म हो चुका है सारा, वॉल क्लिप मार उड़ के सारा अरेंज कर दिए। देखिए एक राउंड करके इन लोग ने रख दिया नीचे में, कुछ बाद में अगर फॉल्ट आया तो ठीक करने के लिए। देखिए मैंने वॉल हैंग करवा लिया अपना राउटर, देखिए वॉल में कितना अच्छा लग रहा है, वॉल हैंग हो चुका है, ये सारा वायरिंग क्लिपिंग हो गया पूरा अच्छा से, अभी बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अभी देखिए मैंने राउटर को चालू कर लिया है, अभी राउटर ऑन हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए पहला वाला लाइट जल चुका है, अप्रॉक्स 2 से 2.5 मिनट लग जाता है ये ऑन होने के लिए पहला वाला लाइट। ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, 2.5 से 3 मिनट लगता है ये ऑन होने के लिए। पहले वाला ग्रीन जलेगा, उसके बाद सेकेंड वाला ग्रीन जल जाएगा। अभी इंटरनेट वाला लाइन भी ब्लिंक कर दिया, अभी 2.45 GHz वाला भी ग्रीन लाइट हो गया। अभी ब्लू लाइट ब्लिंक करने के साथ साथ इंटरनेट आ चुका है, आप लोग देखिए। चलिए अभी हम लोग लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसका नेम जो है वो पांडा कर लिया मेरा वाईफाई का, मैंने SSID मतलब 2.4 GHz और 5 GHz दोनों को सेम कर दिया, मर्ज कर दिया है और दोनों एक कर दिया है। अभी मैं अगर दूर थोड़ा जाऊंगा तो वो 2.4 GHz में डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा, मुझे मैनुअली करने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक ही SSID आ रहा है पांडा बोल के, इसमें दोनों 2.4 GHz और 5 GHz दोनों ही हैं। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड में, ये कौन सा कनेक्ट हो गया इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए 5 GHz में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। चलिए अभी मैं आप लोगों को स्पीड टेस्ट करवा देता हूँ। मैंने ओकला खोल लिया, ये देखिए मैंने 499 40 MBPS वाला प्लान लिया है, लेकिन आप स्पीड देखिए कितना मज़ा मिल रहा है। और पिन देखिए 5 का पिन आ रहा है, 49.53 डाउनलोड आ रहा है। और अपलोड देखिए आप कितना बढ़िया स्पीड दे रहा है, 48 दे रहा है।
हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग ने वीडियो में देख लिया, हम लोग का एयरटेल एक्सट्रीम बढ़िया से इंस्टॉलेशन हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया और स्पीड भी मुझे बढ़िया मिल रहा है। 40 Mbps का प्लान है मेरा, 40 Mbps 499 वाला प्लान है, लेकिन स्पीड 40 Mbps से बहुत अच्छा मिल रहा है। पिन भी बढ़िया है, कुछ ऐसा इशू मुझे अभी तक फेस नहीं हुआ है। बढ़िया पिन भी बढ़िया है, 5 to 6 तक रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी तक ऐसा सच। और बाकी कुछ और मैं क्या ही बताऊँ, मेरा जो ये न्यूली लॉन्च्ड एरिया है अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और मेरा 6 ना 7 नंबर कनेक्शन है तो अभी मेरा हो गया। और मैंने ये जो उन लोग ने जब इंस्टॉलेशन करने आया था, मतलब जब उन लोग ने फेडबॉक्स इंस्टॉल किया था तब मुझे वो पैम्पलेट दे के गया था, तो उसी पैम्पलेट से मैंने उन लोग को फ़ोन किया तो उन लोग ने आके इंस्टॉल करके चला गया। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को उन लोग ने मुझे क्या पैम्पलेट दिया था, रुकिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये पैम्पलेट दिया था मुझे उन लोगों ने, मेरा एरिया नॉर्थ गुवाहाटी एरिया है। अगर आप लोगों को भी इंस्टॉल करवाना है तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, आराम से इंस्टॉलेशन हो जाता है। और मैं आप लोग को प्लान समझा देता हूँ किस टाइप का प्लान है, ये देख लीजिए। सबसे पहले बेसिक्स 40 Mbps वाला है, ये देख लीजिए 499 वाला प्लान है। अगर आप लोग 6 मंथ के लिए रहते हैं तो आपका इंस्टॉलेशन फ्री हो जाएगा, 3,004 रुपीज़ लगेगा। और अगर स्टैंडर्ड लेते हैं 100 Mbps 799, 3 मंथ के लिए लेना पड़ेगा तब आपका फ्री इंस्टॉलेशन होगा, तब ये 2828 पड़ेगा। अगर ये लेंगे 200 Mbps वाला लेंगे तो 399 3 मंथ के लिए, 3536 इंक्लूडिंग 18% GST। ये प्रोफेशनल वाला देख लीजिए 300 Mbps अगर लेंगे तो 1499 का 3 मंथ के लिए 5306 का आपका इंस्टॉलेशन फ्री लग जाएगा। नहीं तो अगर आप एक मंथ के लिए लेंगे कोई भी प्लान इसमें से तो आपको 1000 प्लस 18% GST देना पड़ेगा। तो यही है, ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐसा टेम्पलेट आपका घर के सामने नहीं मिल रहा है तो आपको कोई नहीं है, एयरटेल माई थैंक्स ऐप में जाके आप करिए, आपका हो जाएगा। अगर आपको वो करना सीखना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका क्वेरी सॉल्व करके दूंगा। और कुछ भी प्रॉब्लम आया अपना भाई को याद कर लेना, कमेंट कर देना, मैं आराम से आपको रिप्लाई दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अपना भाई का ये चैनल है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, नया चैनल सपोर्ट करना।